हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कंप्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 8 कंप्यूटर्स, चैप्टर 9 कंप्यूटर एथिक्स, विच इज़ कंप्यूटर क्राइम। यू ऑल नो अबाउट दिस टॉपिक, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। वॉट इज़ कंप्यूटर क्राइम? द क्राइम विच रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। वो क्राइम, वो अपराध जो कंप्यूटर्स की दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, वो सारे क्राइम जो हैं वो कंप्यूटर क्राइम में आते हैं। कंप्यूटर क्राइम रिफर्स टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। कंप्यूटर क्राइम उस क्राइम को बोलते हैं जो इन्वॉल्व होता है कंप्यूटर और नेटवर्क से। कंप्यूटर और नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी क्राइम होते हैं वो कंप्यूटर क्राइम में आते हैं। द कंप्यूटर में हैव बीन यूज इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम और इट मे बी द टारगेट। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर जो है उसको क्राइम करने के लिए या फिर उसको टारगेट बनाकर क्राइम किया जाता है। नेट क्राइम्स रिफर्स टू द क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंटरनेट। नेट क्राइम जो होता है वो क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का एक तरह से क्रिमिनल तरीके से जब यूज़ किया जाता है तो नेट क्राइम, इसी को साइबर क्राइम भी बोलते हैं। यू ऑल नो अबाउट द साइबर क्राइम इन द मॉडर्न इरा, इट इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड टॉपिक। सच क्राइम्स में थ्रेटन अ नेशन सिक्योरिटी। इस क्राइम में क्या होता है, ये हमारे नेशंस की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल हेल्थ को क्या करता है, नेशन की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल हेल्थ को खतरा पहुंचाता है। इशूज सराउंडिंग दिस टाइप ऑफ क्राइम हैव बिकम हाई प्रोफाइल। अब क्या हो रहा है, इस मॉडर्न इरा में जब हम इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही पॉपुलर मुद्दा बन गया है, हाई प्रोफाइल बन चुका है इंटरनेट क्राइम, एंड पर्टिकुलरली दो सराउंडिंग और इसके इसमें बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि क्रैकिंग हुआ, हैकिंग हुआ, साइबर बुलिंग हुई, कॉपीराइट का जो उल्लंघन हो रहा है और बहुत बहुत सारे क्राइम्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। दीज आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेसी। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेसी की भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हमारी जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो क्या हो रही हैं, हैक कर ली जा रही हैं या फिर उनकी चोरी हो जा रही है या उनका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हम कंप्यूटर क्राइम में रखते हैं। इंटरनेशनली बोथ गवर्नमेंटल एंड नॉन स्टेट सेक्टर्स इंगेज इन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखा जाए तो गवर्नमेंटल यानी कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों सेक्टर्स में साइबर क्राइम हो रहा है, इंक्लूडिंग इपिनेज फाइनेंशियल थेफ्ट एंड अदर क्रॉस बॉर्डर्स क्राइम। इसमें कई तरह की जासूसी भरे काम, कुछ वित्तीय चोरियाँ यानी फाइनेंशियल थेफ्ट, यानी कि लोगों की जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे कि मोबाइल पे कोई मैसेज आना और उसके बाद अकाउंट का सारा पैसा जो है वो ख़त्म हो जाना, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल थेफ्ट में आ गई। और भी बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हैं, एक्टिविटी क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड इन्वॉल्विंग द इंटरेस्ट ऑफ एटलीस्ट वन नेशन स्टेट इज़ समटाइम रिफर्ड टू एज साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर यानी कि साइबर युद्ध। साइबर युद्ध को कब जाना जाता है, जब ये एक नेशन से रिलेटेड हो जाता है, यानी कि किसी राष्ट्र या किसी राज्य के स्टेट से जब ये रिलेटेड हो जाता है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर देता है तो ये साइबर वॉरफेयर हो जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कंप्यूटर क्राइम को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी। लेट्स नो अबाउट द कंप्यूटर सिक्योरिटी विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। कंप्यूटर सिक्योरिटी को आईटी सिक्योरिटी भी बोलते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स कंप्यूटर की सुरक्षा। आईटी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज अप्लाइड टू कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, जो कंप्यूटर्स और नेटवर्क पे अप्लाइड होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि यह एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्रांच है जिसमें खासकर कंप्यूटर्स की जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए इसको बनाया गया है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम व डेटा जिसे लोग हैक कर रहे हैं उसकी ये सुरक्षा करते हैं। द फील्ड कवर्स ऑल द प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म बाय विच कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंडेड और अनऑथराइज्ड एक्सेस चेंज और डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि वो सारे फील्ड इसमें
क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिसमें जिसके द्वारा जो कंप्यूटर होता है उस पर बेस्ड जो भी इक्विपमेंट्स, यानी उसके कंप्यूटर पर जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उपकरण यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशंस और जो भी सर्विसेज हैं उनको क्या होता है, जो लोग हानि पहुंचा रहे हैं या उनका जो विनाश कर रहे हैं, उनका जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उससे उनको सुरक्षा पहुंचाई जाती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी आल्सो इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनप्लान्ड इवेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है अनप्लान्ड इवेंट्स, यानी जिनकी जो इवेंट्स जिनकी प्लानिंग पहले से नहीं की गई, और जो नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उससे भी कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्शन पहुँचाती है हमें। अब बात करते हैं आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ हार्डवेयर मैकेनिज्म एंड प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स एंड डेटा। वाइल हार्डवेयर में भी अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, हार्डवेयर बेस्ड और असिस्टेड कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू सॉफ्टवेयर ओनली कंप्यूटर सिक्योरिटी। जबकि हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर में हम उन सारी चीज़ों को रखते हैं जो हम फिज़िकली जिनको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो ये एक सोर्स हो सकती है इनसिक्योरिटी का। हार्डवेयर बेस्ड और असिस्टेड कंप्यूटर, हार्डवेयर बेस्ड या असिस्टेड कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑफर करती हैं सॉफ्टवेयर्स को, जो उन सॉफ्टवेयर्स को जो केवल कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। डिवाइसेस सच एज डोंगल्स, कीस इंट्रूजन डिटेक्शन, ड्राइव लॉक्स, लॉक्स और डिसेबलिंग यूएसबी पोर्ट और सीडी रोम ड्राइव्स में भी कंसिडर्ड मोर सिक्योर ड्यू टू द फिजिकल एक्सेस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी कॉम्प्रोमाइज। क्या होता है, जो इंटरनल चीज़ें हम यूज़ करते हैं जैसे यूएसबी हुआ, सीडी रोम ड्राइव्स हुए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा सिक्योर मानी जाती हैं, जो कि जबकि जो फिजिकल एक्सेस वाली चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्टली छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे ज़्यादा इनको जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर डेटा कंजर्वेशन, और ये इम्पॉर्टेंट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, यह जानने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेटा कंजर्वेशन यानी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड, सो आई एम गो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस विद मी एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।